डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रेन, पुल, प्लेटफॉर्म वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की स्पीड बताइए या ट्रेन की लंबाई बताइए, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, या पूछा जाता है कि दो ट्रेनें जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हैं तो वो एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएंगी, या इस तरह के क्वेश्चंस कि दो ट्रेनें एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं तो तेज गति वाली ट्रेन जो है धीमी गति वाली ट्रेन को कितनी देर में पार कर लेगी, या उसमें बैठे हुए किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी वगैरह, इस तरह के जितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सीधी सी बेसिक्स आपको समझनी है इसके कि दूरी जो होती है ये होती है चाल इनटू समय। किसी भी ट्रेन की चाल क्या है और कितनी देर तक वो गतिमान रही है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दूरी आ जाएगी। चाल अगर आपको ज्ञात करनी है तो चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को समय से डिवाइड कर लीजिए तो चाल निकल आएगी। अगर आपको समय ज्ञात करना है तो समय जो है ये बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो इस तरह से आप जो है दूरी निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं और चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये पैदा होता है कि मान लीजिए ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, अगर एक व्यक्ति को वो 9 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई जो है वो किलोमीटर में तो होगी नहीं, ट्रेन की लंबाई जो है मीटर में होगी। तो फिर अब सवाल ये होता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाए, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदला जाए। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए एक किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1000 मीटर बटे एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड्स हो गए बराबर 1000 बटे 3600 बराबर 20 कट जाएगा 10/36 बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हुआ। तो आपको चाल जितनी भी दी हुई है उसको आप 5/18 से गुणा कर दीजिएगा तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये हो गया 54 को आप 5/18 से गुणा कर दीजिए तो 18 × 54 = 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ट्रेन अगर जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि ट्रेन की चाल जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। मान लीजिए ट्रेन की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ट्रेन की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसे आपको बदलना है कि ये मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, 72 इंटू 5 बटे 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 चौक 72, 4 पंच 20, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये ट्रेन की चाल हो गई। अब आइए इसका उल्टा, कि अगर मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से आपने मल्टीप्लाई किया जबकि मीटर पर सेकंड में बदलना था, यहाँ उल्टा करना है, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से आप इसको सीधे से गुणा कर दीजिए, राइट। एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है इसको आपको, तो 25 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हो गया 25 इंटू 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 25 18 × 90 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। यानी 25 मीटर प्रति सेकंड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर हो गया। मान लीजिए आप सपोज करिए कि 45 मीटर प्रति सेकंड इसको आपको बदलना है, तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, किम पर आवर, तो 5 × 9 = 45, 18 × 9 = 162, 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, राइट। ये चीज़ें बेसिक्स है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ लेते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कतें आएंगी, ओके। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है मान लीजिए जैसे कि ट्रेन किसी व्यक्ति को किसी खंभे को पार करती है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है या खंभा है, ठीक है, या और कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ट्रेन अगर इसको पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, यानी कितनी दूरी तय करने पर वो पार कर लेगी या कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, ये आपकी ट्रेन है, ये ट्रेन का जो इंजन है इस व्यक्ति के पास पहुंचेगा, इसके बाद पूरी ट्रेन जो है पार कर जाएगी, और जब इसका जो है इंजन यहाँ पहुँच जाएगा और गार्ड की बोगी जो होगी यहाँ पर आएगी, तब वो उस व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन, या उस खंभे को पार करेगी, या उस वस्तु को पार करेगी। तो सीधी सी मतलब बात ये हुई कि किसी भी व्यक्ति या खंभे को पार करने में ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। भाई देखिए, ट्रेन की ये लंबाई है, पार करने का मतलब ये ट्रेन पूरी यहाँ आ गई,
तो कितनी दूरी तय की? इतनी दूरी तय की जितना कि इस ट्रेन की लंबाई है। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि व्यक्ति या खंभे को पार करने में तय दूरी, ये ध्यान दें क्या कितनी होगी, यही ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही वो दूरी व्यक्ति या खंभे को पार करने में तय करेगी। क्लियर हो गया? व्यक्ति या खंभे को पार करने में जो दूरी तय होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। बस इसी पर आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेते हैं। व्यक्ति या खंभे को पार करने में तय दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे ये ट्रेन की स्पीड है कि चाल से गतिमान ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। चौवन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो अब यहाँ तो ये किलोमीटर प्रति घंटे है और यहाँ पर जो है सेकंड्स है, तो पहली चीज़ क्या करेंगे, चाल जो हो जाएगी वो बराबर होगी 54 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 54 किलोमीटर पर घंटे है तो इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। 18 × 54 पाँच से बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली ट्रेन व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो फिर दूरी कितनी हो गई, ट्रेन की लंबाई यही तो दूरी हो गई। ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है 10 सेकंड है, 15 × 10 150 मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो गई। व्यक्ति या खंभे को पार करने में जो दूरी तय होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो चाल हमने निकाल लिया 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो फिर दूरी कितनी हुई तय की उसने 10 सेकंड में, जो दूरी तय की वही ट्रेन की लंबाई होगी। और दूरी बराबर क्या होती है, चाल इंटू समय होता है। चाल जो है 15 मीटर प्रति सेकंड है और समय 10 सेकंड है, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। अब आइए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ अस्सी मीटर लंबी ट्रेन, 180 मीटर लंबी ट्रेन रेल पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, क्वेश्चन ये है कि 180 मीटर लंबी ट्रेन
रेल पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल, ये आपको याद करना है। 180 मीटर लंबी ट्रेन है तो जो दूरी तय करनी होगी वो दूरी कितनी होगी, 180 मीटर होगी। व्यक्ति को पार करने में तय दूरी, ये ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, यही जो है ट्रेन की लंबाई होगी, ये ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर, राइट। व्यक्ति को पार करने में तय दूरी जो होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी, और ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर। समय कितना है, 9 सेकंड, तो चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है, 180, समय कितना है, 9 सेकंड, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड आई, आपको बताना होगा कि ये किलोमीटर पर आवर्स में कितनी होगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर्स में होती है। तो चाल बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको हमने अभी शुरू में बताया है, 18/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। यानी ये हुआ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है, वो रेल पटरी के किनारे खड़े हुए किसी व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। और देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि ट्रेन की लंबाई जो है वो 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और चाल जो है वो मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेन 200 मीटर लंबी है, उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पटरी के किनारे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप जो है 36 इंटू 5/18 कर लीजिए, तो बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और दूरी आपको मालूम है जो है 200 मीटर है, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी, चाल जो है 10 मीटर है प्रति सेकंड, तो भी समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी 200/10, 20 सेकंड। इसका मतलब कि 200 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, वो पटरी के किनारे खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में अब आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ
वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या किसी पुल को पार करना है, तो उस सवाल को कैसे हल करेंगे। ओके,